पहले मेरे निजी फैसला लिया कार्यकर्ताओं की सलाह और विचार विमर्श करके बाड़मेर जिला की जनता की भावनाओं को देखते हुए मेरी स्वयं की मर्जी से ये फैसला लिया। और वैसे कांग्रेस परिवार से ही जुड़े थे शुरू से, चाहे जब जब से समझने लगे तब से हमारी विचारधारा कांग्रेस में थी। और जब 2018 में हनुमान जी ने जो आरएलपी पार्टी बनाई और उनसे हमारा शुरू से ही लगाव था और आरएलपी पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ा 2018 का, 2020 का पंचायती राज का चुनाव लड़ा, उसमें सफलता हासिल हुई और 2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा, जहाँ उनके साथ रहा, बड़ी ईमानदारी से विश्वास के साथ में रहा। और अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया। आदरणीय गंडावा जी और पूरी ये टीम, केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व सब में विश्वास रखते हुए, पार्टी की रीति नीति की ध्यान में रखते हुए, पार्टी के साथ में आगे ईमानदारी से और साफ नेक नीति से साथ निभाऊंगा। पार्टी मजबूत हो, हमारा जिला आगे बढ़े और बाड़मेर जिले की जो वर्तमान स्थिति में जो मांग है, आवश्यकता है, उनको कैसे हल किया जाए और बाड़मेर जिला हर दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग से जगत के क्षेत्र में हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, चाहे विंड सोलर क्रूड, उन सब सेक्टर के अंदर स्थानीय लोगों को रिफाइनरी सहित ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी मिले और बाड़मेर जिला जो पिछले जिलों की श्रेणी में आता था वो अग्रणी सबसे आगे कैसे हो और भारत का दुबई कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उस क्षेत्र के अंदर हम सब मिलकर बाड़मेर जिले का विकास के लिए काम करेंगे, सब मिलकर एक टीम के रूप में विश्वास के साथ में काम करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।